बाद हम आटे की मट्टी बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक बर्तन लिया है जिसमें आटा लगाएंगे हम। ये गेहूं का आटा है जो घर में रोटी के लिए यूज होता है। 2 कटोरी आटा लेंगे। हमने 2.5 कटोरी आटा लिया है। 1 कटोरी इसमें सूजी डालेंगे हम। 1/2 कटोरी हम बेसन डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। कसूरी मेथी डालेंगे। 1/2 अजवाइन लिए, इसको हाथ से कसेंगे, इसको मिलाएंगे। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चार बड़े चमचे हम ऑयल डालेंगे, रिफाइंड मोमन के लिए। 1/2 चम्मच से मिक्स करेंगे। मोमन डाल ली, मट्ठियां बहुत खस्ता बनेंगी, बहुत अच्छी बनेंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इस आटे को टाइट लगाना है, ढीला आटा नहीं लगाना है हमें बिल्कुल भी। देखिए हमने मोमन इतना डाला है, ये हमारा बन रहा है। देखिए अब पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे हम मट्ठी का। हमारा आटा देखिए लग चुका है। इसे हम 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके ऊपर पंद्रह मिनट हमारे आटे को हो चुके हैं। एकदम हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब इसके हम लोइया बनाएंगे और मट्ठी के लिए तैयारी। हमने ये सारी लोइया बना ली है। देखिए इस तरह से गोल गोल कर लिए हमने, ऐसे तोड़ के इस तरह से। अब इन्हें बेलेंगे हम। इस तरह से करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस पे एक बेलन लगा देंगे इस तरह से, कांटे की सहायता से इसमें छेद कर देंगे इस तरह से। इस तरह से फिर दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से पूरी सी बनाएंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर दिया हमने, इसमें एक बेलन मार दिया। इस तरह से हमने कर दिए, देखिए इस तरह से। अब हमारा ऑयल गरम देखते हैं। हमारा ऑयल गरम हो गया है, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे जिससे अंदर से अच्छी तरह से सिक जाएं ये सारी हमारी मट्ठियां। तेल में एक एक करके, अभी हमारा तेल नहीं हुआ है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम सारी मट्ठियां इसी तरह डाल देंगे। मैंने और मट्ठी अपनी पहले तैयार करके रखी हुई है। बीच बीच में मैंने पलटे रहेंगे जिससे हमारी अच्छी तरह से सिक जाएंगे। देखिए हमारी मट्ठी सिकने लगी है, हल्के हल्के देखो ब्राउन कलर आ गया है इसके ऊपर, कितनी अच्छी लग रही है। अभी हमें थोड़ी देर और सेकेंगे इनको। अभी इनको हमने पलट दिया है, बीच बीच में पलटते रहना इनको। देखो हमारी कितनी बढ़िया मट्ठी सिकी है, एकदम ब्राउन कलर आया है।
ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। अब इन्हें उतारेंगे हम, ये हमारी मठे सीख गई। ऑयल में छोड़ देंगे इनका इस तरह से। इसी तरह से हम सारी मठिया सेक लेंगे और हमने तैयार करके रख ली।